अब इसके बाद हमारा जो चैप्टर है राइज ऑफ हिटलर, आई एम गोइंग टू स्टार्ट रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर. सो बोथ टाइप ऑफ क्वेश्चंस लाइक 1 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चंस, 2 मार्क्स एंड लॉन्ग क्वेश्चंस वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस. ठीक है, नाजीज्म थ्योरी जो है नाजीज्म कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि नाजी पार्टी का नेम था एंड हिटलर वॉज द लीडर ऑफ दिस पार्टी, इस पार्टी का लीडर था. और इसीलिए इस चैप्टर में बेसिकली हमने स्टोरी पढ़नी है. दिस इज अ स्टोरी ऑफ जर्मनी और इनडायरेक्टली इट इज अ स्टोरी ऑफ हिटलर. ठीक है, स्टोरी स्टार्ट होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. एज यू नो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ईयर्स कौन से थे? 1914 टू 1918. बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन जर्मनी, और जब हम वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं तो आपको ग्रुप भी बताने चाहिए कि एक तरफ कौन सी कंट्रीज थी. ब्रिटेन जिसको यूके कहा जाता है, फ्रांस, रशिया एंड यूएसए ज्वाइंड लेटर. लेटर का मतलब है 1918 में यूएसए ने ज्वाइन किया. तो उस टाइम पीरियड में यूएसए वर्ल्ड वॉर से अलग रहा, इसीलिए वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री किसको माना गया उस टाइम पीरियड में? यूएसए. दूसरी तरफ कौन सी कंट्रीज थी? जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की. तो दिस इज द स्टोरी ऑफ वन डिफीटेड कंट्री, एक ऐसी कंट्री जो वर्ल्ड वॉर में हार गई. और हार जाने के बाद उस कंट्री का क्या हुआ? क्योंकि इससे पहले हमने एक विनर कंट्री के बारे में पढ़ा था, रशिया. रशिया में भी प्रॉब्लम आई थी, यानी कि चाहे कंट्रीज जीतती हैं चाहे कंट्रीज हारती हैं, दोनों लेवल पे प्रॉब्लम आती है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल. ठीक है, अब जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले मोनार्की सिस्टम था और इनके किंग का नाम क्या था? काइजर विलियम. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के हार जाने के बाद काइजर विलियम कंट्री छोड़कर चले गए, क्योंकि उनसे कंट्री संभाली नहीं जाएगी. और उन्होंने ये किंग ऑफ द जर्मनी मोनार्की सिस्टम था, यानी कि जर्मनी में इससे पहले मोनार्की सिस्टम था. फर्स्ट टाइम जब किंग कंट्री छोड़कर चला गया तो उस टाइम पीरियड में हारी हुई कंट्री को कौन संभालता? एट दैट टाइम मैनी स्मॉल पार्टीज वर फॉर्म, और ये जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज बनी, इन पार्टीज ने मिलकर कंट्री में डिसाइड किया कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको चूज किया जाए. और इसके लिए इन्होंने क्या किया, कंट्री में इलेक्शंस करवाए. प्लेस यानी कि जर्मनी में एक प्लेस है जिसका नाम क्या है? वाइमर. वाइमर इज अ प्लेस इन द जर्मनी. वाइमर में इलेक्शंस करवाए गए, और जैसे इंडिया में दिल्ली, ऐसे ही जर्मनी में वाइमर में इलेक्शंस करवाए गए. और इन इलेक्शंस में जो गवर्नमेंट बनी वो कौन सी गवर्नमेंट थी? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि लोगों को वोटिंग राइट्स मिले. लोगों ने खुद वाइमर रिपब्लिक, यहाँ पे वर्ड मैं रिपब्लिक क्यों ऐड कर रही हूँ, क्योंकि कंट्री की जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, दैट वॉज नॉट परमानेंट, दैट वॉज इलेक्टेड फॉर टेम्परेरी टाइम पीरियड. ऐसी कंट्री जिसमें जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, प्रेसिडेंट या जो रूलर्स होते हैं, उनको टेम्परेरी अपॉइंट किया जाता है, जैसे हमारी कंट्री भी रिपब्लिक है. ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड वाइमर रिपब्लिक. पार्लियामेंट का नाम क्या था? राइक्सटैग. हाँ जी, 5 इयर्स. इसकी जो पार्लियामेंट थी उसका नाम क्या था? राइक्सटैग वाज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट. जैसे हमारी कंट्री की पार्लियामेंट क्या? लोकसभा एंड राज्यसभा. क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? एनी डाउट? ओके. हाँ जी, इसके बाद अब हम करेंगे वाइमर रिपब्लिक एक न्यूली बॉर्न डेमोक्रेटिक. न्यूली बॉर्न क्यों कहा जाता है? जैसे इंडिया भी ब्रिटिशर्स के बाद हम कहते हैं कि इंडिया एक न्यूली बॉर्न डेमोक्रेटिक कंट्री थी, ऐसे ही जर्मनी भी क्या थी? एक न्यूली बॉर्न डेमोक्रेटिक कंट्री. और इस कंट्री की गवर्नमेंट कौन सी थी? वाइमर रिपब्लिक. अब जब भी कोई कंट्री की नई गवर्नमेंट बनती है तो उसको बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं. जैसे इंडिया में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आई. इंडिया को कौन सी प्रॉब्लम्स आई थी? रिहैबिलिटेशन, पार्टीशन प्रॉब्लम. मैनी पीपल दे केम फ्रॉम पाकिस्तान एंड मैनी पीपल दे शिफ्टेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान. अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स इंडिया में हमें फेस करनी पड़ी. ऐसे ही हमने बताना है वाइमर रिपब्लिक को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी जब ये गवर्नमेंट ने कंट्री को संभाला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद. तो हमारा टॉपिक क्या है? विच वर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वाइमर रिपब्लिक आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. Problems. You have to learn this topic for you can say 4 marks या 5 marks, क्योंकि इसके हमने headings अलग बनानी है. ठीक है,
नंबर वन, सबसे पहला हेडिंग क्या होगा इसका, ट्रीटी ऑफ वर्साय। यहाँ पे वर्साय क्या है, पैलेस। आपको याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में लुई 16 का जो पैलेस था उसका नाम क्या था, पैलेस ऑफ वर्साय। क्यों हम जर्मनी में वर्साय लिख रहे हैं, क्योंकि वर्साय जर्मनी में थोड़ी था, फ्रांस एक विनर कंट्री थी, ठीक है। वाइमर रिपब्लिक यानी कि जब जर्मनी हार गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसके बाद पैलेस ऑफ वर्साय में विनर कंट्रीज ने डिफीटेड कंट्रीज को बुलाया पीस ट्रीटी साइन करने के लिए। सो दैट्स व्हाई इस ट्रीटी को, इस ट्रीटी का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट। जब दो कंट्रीज के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ट्रीटी। और इसका नाम क्या है, ट्रीटी ऑफ वर्साय। और इसमें जो पॉइंट्स थे वो उनको क्या कहा गया, टर्म्स, टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। अब जर्मनी को अपने कुछ डेलीगेट्स, डेलीगेट्स का मतलब होता है कुछ मेंबर्स, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को कहां भेजना पड़ा, पैलेस ऑफ वर्साय वहां भेजा। और वहां पर जाके उनको पता लगा कि वो एक डिफीटेड कंट्री है, इसीलिए उन्हें कुछ टर्म साइन करनी पड़ेंगी। और विनर कंट्रीज, विनर कंट्रीज में कौन कौन थे, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड यूएसए। इन चारों कंट्रीज और कुछ कंट्रीज ने मिलकर इस ट्रीटी की टर्म्स तैयार की, और उसमें सबसे ज्यादा लॉस जो है वो किसको हुआ, जर्मनी को। तो हमने वो पॉइंट्स बताने हैं कि इस ट्रीटी ऑफ वर्साय में जर्मनी को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स या कौन कौन से लॉस जो है वो हुए। अगर तो ये कंप्लीट अलग से क्वेश्चन आता है, अब मैं आपको इस अभी यहाँ पे बता रही हूँ, अगर ये अलग से क्वेश्चन आता है आपको, 2 मार्क्स के लिए आता है या 3 मार्क्स के लिए आता है, तब आपने सारी टर्म्स को डिटेल में बताना है, प्रॉपर इसकी परसेंटेज बतानी है, इसका डाटा बताना है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्साय में आपने ये बताना है दैट डेलीगेट्स रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वाइमर रिपब्लिक दे वर इन्वाइटेड इन द पैलेस ऑफ वर्साय, व्हेन दे वेंट देयर, जब वो वहां पे गए दे वर इंसल्टेड, उनको वहां पे इंसल्ट किया गया और उनके सामने ट्रीटीज रख दी गई, उनको कुछ नहीं बताया गया, जस्ट ये कहा गया उनपे साइन करने के लिए। वो अलग बात है कि उन्होंने ट्रीटीज को पढ़ा, पर उनके पास कोई भी ऑप्शन, ऑप्शन का मतलब होता है अल्टरनेट नहीं था, और उनको साइन करना ही पड़ा। अगर वो साइन ना करते तो शायद जर्मनी जो है वो अलग अलग पार्ट्स में क्या हो जाता, फ्रेगमेंटेड होता, और शायद जर्मनी को विनर कंट्रीज आपस में क्या कर लेती, डिवाइड। तो अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइमर रिपब्लिक के पास उस टाइम कोई ऑप्शन नहीं था, कोई अल्टरनेट नहीं था, सो दैट्स व्हाई दे डिसाइडेड टू साइन ऑन द ट्रीटी ऑफ वर्साय। बट दे वर नॉट अवेयर कि जब वो अपनी कंट्री में वापस जाएंगे, दे विल बी कॉल्ड मॉकिंगली, का मतलब उनका मजाक उड़ाया जाएगा, उनको क्या कहा जाएगा, नवंबर क्रिमिनल्स। क्यों? क्योंकि ये ट्रीटी जो थी नवंबर के मंथ में साइन हुई 1918, एंड सेकेंड थिंग, जब ये वापिस आए उनको क्रिमिनल कहा गया, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, अपनी पूरे वर्ल्ड के लेवल के ऊपर अपनी कंट्री को झुका दी, यानी कि उन्होंने, इनका मानना था, लोगों का मानना था कि इन्होंने उनको अपोज क्यों नहीं किया या टर्म्स क्यों नहीं कम करवाई। लेकिन वाइमर रिपब्लिक के पास उस टाइम कोई ऑप्शन नहीं था, उनको जो ठीक लगा उन्होंने किया, लेकिन जब वो अपनी कंट्री में ही वापिस आए, ये सबसे पहली प्रॉब्लम है दैट दे वर मॉकिंगली कॉल्ड एज नवंबर क्रिमिनल, ठीक है। आपने इसमें अगर तो लॉन्ग क्वेश्चन में बताना है तो 2-3 टर्म्स बता देना, लेकिन अगर अलग से क्वेश्चन आएगा तो वो सारा आपने डाटा इसमें देना, क्लियर। तो जिन बच्चों को इसकी नॉलेज है, 1 by 1 टेल मी, क्या था ट्रीटी ऑफ वर्साय, हाँ जी रेज योर हैंड्स, कितने परसेंट कोल एरियाज, कितने परसेंट आयरन एरियाज, कितने परसेंट कॉम्पनसेशन जो है इस पर इम्पोज किया था, हाँ जी, वेरी गुड, 13% लैंड एरियाज। 13% का मतलब है जर्मनी का टोटल, जर्मनी की टोटल लैंड का 13% विनर कंट्रीज को देना पड़ा है, और 26% कोल माइंस। किसी कंट्री को सबसे ज्यादा इनकम आयरन और कोल से होती है, तो जर्मनी को अपनी आयरन एंड कोल माइंस जो है वो किसको देनी पड़ी, विनर कंट्रीज, विनर कंट्रीज ने अपना जो है उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया। और 75% आयरन, वेरी गुड, आयरन माइंस। और कितने परसेंट कंपन्स, कितना कंपन्स, यस 6 बिलियन कंपनसेशन वाज इम्पोज ऑन जर्मनी, यानी कि अब एक हारी हुई कंट्री जर्मनी जो है विनर कंट्रीज को क्या देगी, 6 बिलियन इंस्टॉलमेंट्स, और ये इंस्टॉलमेंट जो है वो मंथली बेसिस के ऊपर डिसाइड कर दी गई। और क्या हुआ था, ओवरसीज कॉलोनीज, ओवरसीज, ओवरसीज का मतलब क्या होता है, जैसे इंडिया वॉज द ओवरसी कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन 1947 से पहले इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी था, ऐसे ही
जर्मनी के अंडर भी बहुत सी कॉलोनीज थी, कुछ कॉलोनीज जो है वो विनर कंट्रीज ने ले ली। ओवरसीज कॉलोनीज का मतलब होता है कि विनर कंट्रीज ने जर्मनी की बहुत सी ओवरसीज कॉलोनीज के ऊपर कंट्रोल कर ली। और टॉप और क्या है इसमें, और क्या बताना है, कौन सा एरिया लिया गया? राइनलैंड। राइनलैंड एक इंपॉर्टेंट एरिया था जर्मनी का, दैट वॉज टेकन, पूरा का पूरा एरिया जो है दैट वॉज टेकन बाय द विनर कंट्रीज। और हाँ, वॉर गिल्ट क्लॉज को आप अलग से भी बता सकते हो। ये हो गया आपका फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम आप बता सकते हो वॉर गिल्ट, सेकंड प्रॉब्लम अलग से बता सकते हो इसको, वॉर गिल्ट क्लॉज। वॉर तो पता ही है लड़ाई, ठीक है, गिल्ट का मतलब होता है पछतावा, जैसे हमें किसी चीज का गिल्ट हो रहा है। तो वॉर का गिल्ट विनर कंट्री से किसके ऊपर डाल दिया? डिफीटेड कंट्रीज, यानी कि जर्मनी पूरी हार का जो है वो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि जो भी वर्ल्ड वॉर में जितना भी खर्चा हुआ या जितने लोगों की डेथ हुई वो हमारे कारण हुई। गिल्ट क्लॉज का मतलब होता है सारा जो गिल्ट है वो किसके ऊपर डाल दिया? जर्मनी के ऊपर। और विनर कंट्रीज ने लूजर कंट्रीज या डिफीटेड कंट्रीज को साइन करने के लिए बोला, ठीक है। क्लॉज का मतलब होता है एक पॉइंट, यानी कि उसमें एक पॉइंट था जिसमें जर्मनी ने ये इसके ऊपर साइन किया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितना भी खर्चा हुआ, जितना भी डिफेंस एक्सपेंडिचर हुआ, जितना भी लॉस हुआ, चाहे डिस्ट्रक्शन हुई या लोगों का लॉस हुआ, उसका गिल्ट हम अपने ऊपर लेते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी के कारण है ना। तो इसलिए जो है ये हम कहते हैं कि ये जो ट्रीटी की टर्म्स थी, हम क्यों कहते हैं दीज वर हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग। हार्श का मतलब होता है वेरी टफ, एंड ह्यूमिलिएटिंग का मतलब क्या है? इंसल्टिंग। तो इसीलिए वाइमर रिपब्लिक को जब उन्होंने ये टर्म्स को मान लिया, व्हेन दे केम बैक, अपनी कंट्री में वापस आए, दे वर कॉल्ड नवंबर क्रिमिनल्स। और उनके ऊपर वॉल्ट गिल्ट क्लॉज का मतलब क्या है? गिल्ट क्लॉज का मतलब है कि सारी वॉर का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनके ऊपर डाल दी थी। इट इज क्लियर, ये आपने डिटेल में बताना है, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन में होगा तो अपने आप पॉइंट्स को शॉर्ट कर दो, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड प्रॉब्लम, इसको अलग सेकंड भी बना सकते हो वॉर गिल्ट क्लॉज को, ठीक है। थर्ड पॉइंट बना दो इसका, इकोनॉमिक क्राइसिस प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम क्या थी? इकोनॉमिक क्राइसिस। 1918 ऑनवर्ड जर्मनी जो था वो 6 बिलियन कंपनसेशन मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे करने के लिए रेडी हो गए। तो 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, 22, 23, यानी कि 23 तक आते आते जर्मनी ने काफी इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी थी, लेकिन कंट्री का बुरा हाल हो गया। अब कंट्री का बुरा हाल मतलब इसमें हमने सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बतानी है कि जर्मन के अंदर क्या हो रहा था। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं किसी भी कंट्री में, अगर मैं पूछूं ना कि बेटा किसी कंट्री में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, तो तीन बातें हमेशा याद रखना, पॉवर्टी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, हाई प्राइसेस, फूड शॉर्टेज, ठीक है। ये होती है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब ये सारा आपने जर्मनी में लिखना है, दैट व्हेन जर्मनी पेड कंपनसेशन एट दैट टाइम इन द जर्मनी पीपल दे वर वेरी पुअर, एंड जो है वो गवर्नमेंट किसी भी तरह से लोगों के ऊपर फैसिलिटीज या लोगों को जो है वो डेवलपमेंट नहीं करवा पा रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर अपना प्रेशर था, गवर्नमेंट ने कंपनसेशन पे करना था। ऐसी कंट्री जिस कंट्री में गवर्नमेंट मनी जो है वो फॉरेन कंट्रीज को दे रही है, उस कंट्री के लोग फिर सफर करते हैं। तो मैनी पीपल देवर अनएम्प्लॉयड, क्योंकि इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट स्पेंड नहीं कर पा रहे। हाई प्राइजेस, ऑटोमेटिकली अगर एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप नहीं होगा तो शॉर्टेज होगी, क्योंकि क्रॉप्स कम होंगी, क्रॉप्स कम होंगी तो फूड ग्रेन या व्हाटएवर जो भी कंट्री में गुड्स हैं अगर कम होंगी, जब चीज कम होती है तो उसका रेट क्या होता है? बढ़ जाता है। तो हाई प्राइजेस, हाई प्राइसेस कई बार पता क्या होता है, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल की क्वांटिटी कम है तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ गया, अगर हर मंथ बढ़ता रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। लेकिन मंथ में 15 डेज के बाद बढ़ गया, उसको क्या बोलते हैं? हाइपर इन्फ्लेशन। इसका मतलब क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइज इन प्राइसेस, हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है सडन इंक्रीज इन द राइज ऑफ प्राइसेस विद इन इंटरवल्स। इंटरवल्स का मतलब 15 डेज के बाद या 20 डेज के बाद, लगातार जब प्राइस बढ़ते ही रहते हैं।
अब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जर्मनी की गवर्नमेंट वाइमर रिपब्लिक ने क्या गलती की, उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड प्रिंटिंग न्यू नोट्स। अब हम कहते हैं ना कि हाँ जी किसी कंट्री में लोग बहुत गरीब हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या गरीबी खत्म करने के लिए करेंसी प्रिंट नहीं कर सकती, तो गवर्नमेंट तो खुद करेंसी प्रिंट करती। लेकिन जर्मनी वॉज अनअवेयर, इस कंडीशन में जर्मनी जो था वो अनअवेयर था, उन्होंने क्या किया बिना सोचे समझे, उनकी करेंसी कौन सी थी, मार्क, जर्मन करेंसी थी मार्क। दे स्टार्टेड प्रिंटिंग न्यू नोट्स, यानी कि उन्होंने मार्क जो है वो प्रिंट करने शुरू कर दी। और ऐसे में क्या हुआ, जब बाकी कंट्रीज को पता लगा कि जर्मनी अपनी कंट्री में ये कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, इसकी वैल्यू, वैल्यू का मतलब क्या होता है, कन्वर्टिबिलिटी, जब मार्क को डॉलर के साथ कन्वर्ट किया जाएगा तो डॉलर क्या होगा, कॉस्टली, और मार्क क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। और डे बाय डे जर्मनी की पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसकी करेंसी इतनी रिड्यूस कर दी कि 1 डॉलर कितने 1000 मार्क्स का था, 24,000 मार्क्स। तो 1 डॉलर के लिए लोगों को बैग भर के मार्क्स लेने जाने पड़ते थे, और उसके बाद कन्वर्टिबिलिटी होती थी 24,000, ठीक है। बट लेटर ऑन इट स्टार्ट इंक्रीजिंग, और बढ़ती गई, यानी कि बढ़ना का मतलब है इसकी वैल्यू डाउन होती गई और डॉलर इनके लिए क्या हो गया, कॉस्टली। अब आप ये ध्यान में रखो, जब भी किसी कंट्री में इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है, कंट्री ऐसी गलती करती है, तो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं होती, प्रॉब्लम और ज्यादा क्या हो जाती है, डिटीरियोरेट हो जाती है। अब जर्मनी को इस कंडीशन का अंदाजा नहीं था, जर्मन की जो मार्क वैल्यू थी वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डाउन हो गई, जिसके कारण इकोनॉमिक क्राइसिस आए 1923। ये वो टाइम था जब एग्रीकल्चर सेक्टर टोटली जो है वो नेग्लेक्टेड था, इंडस्ट्रीज नेग्लेक्टेड थी, एक तरफ हाई प्राइसेस थे, एक तरफ मार्क की वैल्यू डाउन थी, और ऊपर से जो लोग थे जिनको एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही थी, दे वर टर्निंग क्रिमिनल्स, क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे थे, क्योंकि अल्टीमेटली दे नीडेड मनी बाय एनी वे, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स उस टाइम पीरियड में फेस करनी पड़ी जर्मनी को। जर्मनी ने क्या किया, दे सरेंडर, सरेंडर का मतलब क्या होता है, हैंड्स अप कर दिए, और विनर कंट्रीज को ये बता दिया कि नाउ दे आर नॉट इन कंडीशन टू पे कंपनसेशन। अब विनर कंट्री से कौन सा एरिया ले लिया इनका, रूहर, ठीक है, याद रखना ये वाला एरिया तब लिया 1923 में जब जर्मनी ने कंपनसेशन पे करने से मना कर दिया। हाँ जी, राइनलैंड पहले ले लिया था, टर्म्स ऑफ ट्रिटी, जो ट्रिटी ऑफ वर्सा, ठीक है। सेकेंड टाइम कौन सा एरिया लिया गया, रूहर, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट माइन एरिया था। तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस की प्रॉब्लम बतानी है, ये सारी प्रॉब्लम अल्टीमेटली किनको फेस करनी पड़ी थी, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वाइमर रिपब्लिक। थर्ड प्रॉब्लम आ जाओ, डिप्रेशन। हाँ जी, फर्स्ट बना लो टर्म्स ऑफ ट्रिटी, सेकंड बना लो वॉर गिल्ट क्लॉज, थर्ड बना लो इकोनॉमिक क्राइसिस, फोर्थ आ जाएगी आपकी डिप्रेशन। ईयर कौन सा, 1929, डिप्रेशन। वैसे तो ये डिप्रेशन जो होता है एक मेंटल स्टेट होती है, माइंड की स्टेट होती है, लेकिन हम इसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। जब कंट्रीज बहुत ज्यादा लॉस फेस करती हैं, बिजनेस में जब बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, तो उस कंडीशन को, जब कंट्री बहुत ज्यादा लॉस फेस करती है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डिप्रेशन। ये डिप्रेशन हमने दो तरह से पढ़ना है। सबसे पहले ये स्टार्ट कहां से हुआ, यूएसए से, इसका इंपैक्ट कहां पे पड़ा, जर्मनी। तो सपोज आपको क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन डिप्रेशन, क्या था डिप्रेशन, ईयर याद रखना 1929 ऑनवर्ड्स 1930, पूरी कंट्री और वर्ल्ड में डिप्रेशन जो है वो फेस हो रहा था। कैसे, अब सबसे पहले आप यूएसए की बैकग्राउंड याद करो, मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, यूएसए ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लेट एंट्री की थी। पूरा वर्ल्ड जिस टाइम पर में वर्ल्ड वॉर में जूझ रहा था, उस टाइम यूएसए अकेली ऐसी कंट्री थी जो प्रोडक्शन, अपनी कंट्री में प्रोडक्शन कर रही थी, उनको किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि वो अलग से एक एरिया ऐसा है जहां पे अटैक्स नहीं हुए, और उनको रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी जो है वो मनी नहीं खर्च करनी पड़ी। तो यूएसए वॉज द रिचेस्ट कंट्री आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये माना गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए जो है वो सबसे रिचेस्ट कंट्री बन। अब हमेशा याद रखना, ये भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, पहली गलती जर्मनी ने की नए नोट प्रिंट करके, दूसरी गलती यूएसए कर रहा था। अब यूएसए को लग रहा था कि रिचेस्ट कंट्री है, तो यूएसए स्टार्ट गिविंग लोन टू मैनी कंट्रीज। ऐसे ही जर्मनी पे जब क्राइसिस हुए थे, तो यूएसए ने जर्मनी को कुछ लोन्स दिए थे। देखा जाए, आप कहोगे कि मैम ये तो विनर कंट्री है,
इन्होंने लोन्स क्यों दिए, लेकिन जब विनर कंट्री को फायदा होगा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कोई भी कंट्री जो है वो क्या देगी, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है जो मेन अमाउंट होती है उस पे अगर आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिले तो कंट्रीज क्या करती हैं, दूसरी कंट्रीज को लोन देती है। तो यूएसए ने क्या किया, जर्मनी को 1923 के बाद लोन्स दिए। जिस प्लान के अंडर ये लोन जो दिया उसको क्या बोलते हैं, डॉब्स प्लान। डॉब्स प्लान का मतलब क्या है, डॉब्स यूएसए के, पहले सुन लो आपस में ना बातें मत करो, मैं आपको बता रही हूँ मेरे से सुन लो। डॉब्स जो थे यूएसए के मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने अपनी कंट्री के प्रेसिडेंट को सजेस्ट किया कि अगर हम हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में बाकी कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करते तो इससे यूएसए को ही बेनिफिट होगा। उनका नाम था डॉब्स, और इसीलिए इस प्लान को क्या 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 कहा गया, डॉब्स प्लान। ऐसा प्लान जिस प्लान के अंडर जर्मनी को लोन दिए गए बाय यूएसए, दिस प्लान वॉज नोन एज डॉब्स प्लान। क्लियर है, एनी डाउट? हाँ जी। जर्मनी ने हैंड इसलिए रेज किए क्योंकि दे वर नॉट एबल टू पे कंपनसेशन, उनके पास मनी नहीं थी, दे नीडेड मनी, सो दैट्स व्हाई द टर्न, उन्होंने यूएसए से हेल्प मांगी, सो दैट्स व्हाई यूएसए गेव हेल्प टू जर्मनी। क्लियर? अब ये सोचो कि जब भी किसी भी कंट्री में जब ऑलरेडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही होती है, ऐसे में सबसे ज्यादा लॉस जो होता है वो बैंक्स को होता है। कैसे होता है, आप देखो कि सपोज अगर आपको कंपनी की तरफ से कोई भी कॉल आती है और कंपनी ये कहती है कि आप हमारे बैंक में अकाउंट जो है वो ओपन करो, तो हम आपको 0% बैलेंस पे लोन देंगे, तो व्हाट यू विल डू, कर लो, यस कर लोगे। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब क्या है कि आप क्या करोगे, आप उस बैंक को अप्रोच करोगे, आप अकाउंट ओपन करोगे, आप बैंक ने आपको क्या बोला है कि 0% की अगर बैंक में मनी नहीं भी है ना, हम आपको 50,000 का क्रेडिट कार्ड बना देते, तो आप 3 months के लिए 4 months के लिए शॉपिंग कर सकते हो, और उसके बाद जब भी आपके पास मनी होगी आप बैंक को वापस कर देना। अब आपको क्या मिल गया, क्रेडिट कार्ड मिल गया, आपके पास तो मनी नहीं है, लेकिन जब आपके पास क्रेडिट कार्ड है यू विल स्टार्ट स्पेंडिंग, आप शॉपिंग करते जाओगे, 40,000 कर लिया, 50,000 कर लिया, जब बैंक को पता लगा कि हाँ जी इस पर्सन का तो 0% है, इसने सारा 50,000 खरीद लिया, तब बैंक को होश आया, पहले नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि बैंक क्या चाहते हैं, बैंक चाहते हैं इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स का मतलब क्या है, उनके पास नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़े, नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़े इसलिए वो क्या करते हैं, लोगों को, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, ठीक है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग पॉलिसीज बनाते हैं ताकि हमारे पास नंबर ऑफ कस्टमर, उनको ये लगता है कि उस पर्सन को अगर हम क्रेडिट कार्ड देते हैं तो लेटर ऑन उस पर्सन के पास जब मनी होगा तो वो बैंक में डिपॉजिट करवा देंगे, ठीक है। ऐसा ही यूएसए ने किया, ये तो मैं आपको बहुत शॉर्ट लेवल पर बता रही हूँ। यूएसए ने क्या किया, इसको लार्ज स्केल पे यूएसए के जितने भी बैंक्स थे, इन बैंक्स ने क्या किया, अलग अलग कंट्रीज को लोन देना शुरू कर दिया। अब 1929 में क्या हुआ, शेयर मार्केट यूएसए में क्रैश हो गए। शेयर मार्केट कोलैप्स होना या क्रैश होना का मतलब क्या होता है, शेयर, शेयर्स क्या होते हैं, ये आपके पेरेंट्स को इसकी नॉलेज होगी, ठीक है। शेयर मार्केट में कीप क्वाइट, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करते हैं बेटा, सपोज अगर आपके पास 200 रुपीज है, आप उसका एक शेयर खरीदते हो, मे बी 15 months के बाद या 2 months के बाद उस शेयर का प्राइस बढ़ जाता है, 200 से वो डबल हो गया 400, तो आपको बैठे बिठाए क्या हो गया, फायदा हो गया। प्रॉफिट कैसे, जब किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है ना, कंपनीज को मनी चाहिए, तो शेयर्स के फॉर्म में वो आपसे मनी अट्रैक्ट करते हैं, और जब उनको प्रॉफिट होता है वो आपको प्रॉफिट शेयर्स के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन अगर कंपनी को लॉस हुआ, आपने 200 का एक शेयर खरीदा लेकिन शेयर की वैल्यू हो गई 10 रुपीज, तो बैठे बिठाए आपकी मनी जो है वो क्या हो गई, 10। इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है, और सबसे ज्यादा ये गेम ऑफ ब्रेन है, यानी कि अब आपको पता है कि इन फ्यूचर कौन सी कंपनीज राइज करने वाली हैं, आप उनके शेयर एडवांस में खरीद लोगे। लेकिन अगर आपको ये पता है इन फ्यूचर ये कंपनीज जो है वो डूबने वाली है, आप उनके शेयर बेच दोगे। तो ये एक तरह से हर पर्सन का अपना जो है वो ब्रेन है कि वो कैसे शेयर खरीदता है और बेचता है। अब क्या हुआ, लिसन, यूएसए ने 1929 में शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा लॉस हुआ, और शेयर मार्केट जो है ना अनफोर्सीन, अनफोर्सीन का मतलब होता है आप इसका पहले अंदाजा नहीं लगा सकते, अचानक से कई बार क्या होता है शेयर मार्केट जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो 1929 में ऐसा ही हुआ, किसी ने सोचा नहीं था शेयर मार्केट इतनी डिक्रीज होगी। अब आप सोचो कि जब शेयर मार्केट डिक्रीज हो गई, लोगों का पैसा डूब रहा है, तो लोग क्या करेंगे, बैंक को अप्रोच करेंगे, और उनके पास जितनी सेविंग्स है वो बैंक से क्या करेंगे, सेविंग्स को विड्रॉ करेंगे।
अब जो यूएसए के लोगों ने सेविंग्स को विड्रॉ करना शुरू कर दिया, तो ऐसे में यूएस गवर्नमेंट के पास मनी जो है वो क्या होगी, शॉर्टेज। यूएस के पास मनी शॉर्टेज हुआ तो यूएसए ने क्या किया, बाकी कंट्रीज को डेडलाइन दे दी। जर्मनी जैसी बहुत सी कंट्रीज को डेडलाइन दे दी गई कि दे विल रीपे देयर अमाउंट, जो भी अमाउंट है वो वापस करें। इसीलिए हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन का असर जो है वो स्टार्ट कहां से हुआ, यूएसए, और इसका इंपैक्ट कहां पे पड़ा, जर्मनी। बाकी हम कल करेंगे।